प्रधानमंत्री जी की बंदूक खाली थी, प्रधानमंत्री जी का निशाना छूट गया, दो कौड़ी का ट्रंप 56 इंची सीने पर ठोक गया। दोस्तों नमस्कार, वॉइस में आपका स्वागत है, मैं हूं विक्रम और हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव जी, जो जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए और जब भी बोलते हैं तो हिला देते हैं, खासकर भाजपा वालों को, क्योंकि सरकार की कार्यशैली पर हमेशा अपने सवाल खड़े करते हैं। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 2.0 के एक साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने पूरी एक बुकलेट जारी की है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिनका जमीन से धरातल से कोई लगाव है नहीं। तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि मोदी सरकार ने कौन कौन सी अपनी, जिन्हें बता रहे कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जैसे कह रहे हैं ट्रिपल तलाक, उसके बाद धारा 370, उसके बाद NRCCA, राम मंदिर, और उसके बाद बैंकों का विलय, और उसके बाद कहते हैं कि आत्मनिर्भर, वो लॉकडाउन में अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे है बैंकों को लेकर। सरकार ने कहा कि हमने बड़े बैंकों को 10 बैंकों में विलय कर दिया है और एक राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन पहला सवाल ये कि राहत पैकेज की घोषणा तब की जाती है जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो आप सबसे पहले बैंकों के बारे में बताएं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, खास करके गरीब और किसान मजदूरों के बच्चे रेलवे और बैंकों की कॉम्पिटिशन फेस कर आते थे। एक साजिश के तहत भाजपा के लोगों ने, चूंकि अपने व्यापारिक मित्रों के हाथों में रेलवे का निजीकरण करना है, इसलिए रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, बैंकों का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बाप दादा कहते थे, हमारे पूर्वज कहते थे कि प्राइवेट बैंकों में पैसा रखोगे तो बैंक डूब जाएगी। आपने देखा था हेलियस, केसियन, बहुत सारे बैंक हैं, JBG, जवाहर शारदा चिट फंड, जिसमें मुकुल राय भाजपा के नेता हैं अभी वर्तमान में, उनको क्लीन चिट देने की तैयारी चल रही है चूंकि भाजपा में आ गए। कि सरकारी बैंक गरीबों का पैसा सुरक्षित रखती है, प्राइवेट बैंकों में देश के गरीब मजदूरों का जो 2-2 रुपया, 4-4 रुपया, 5-5 रुपया कर जमा करती थी वो अच्छा। बैंकों को एनपीए में या बैंकों को विलय करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब से ये भाजपा की, मोदी जी के हाथों में कमान आया, सरकार बनी, अपने व्यापारिक मित्रों के पैसे को इन्होंने लोन दे देकर एनपीए में बांट दिया, देश की गरीब जनता को तो चौनी नहीं मिली, किसको मिला? एक बात बताइए, आज देश में हालात ये है, ये मोदी जी की भाजपा की सरकार हवाई चप्पल छीनने वाली सरकार है। गोरे अंग्रेजों ने जितना जुल्म और सितम, दरिंदगी नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, अमानवीय कृत्य नहीं किया, इतने निष्ठुर तो गोरे अंग्रेजों की सरकार नहीं थी जितनी मोदी जी की ये काले अंग्रेजों की सरकार है। लोगों से, देश के मजदूरों से इन्होंने हवाई चप्पल तक छीना है। ये कहते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। देश ने देखा है किस तरीके से भाजपा की सरकार ने हवाई चप्पल छीन ली। लोग प्लास्टिक की बोतल को हवाई चप्पल पहन के घर जा बना के घर जा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी को पता था कि कोरोना जैसी महामारी, चाइना इतना दिन छुपाया, नवंबर में डिक्लेयर किया 17 नवंबर को, हिंदुस्तान में 30 जनवरी को आया, सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली के चुनावों में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, चुनाव जीतने के लिए एरी चोटी का जोर लगा रही थी। फरवरी में पूरे महीने, जनवरी फरवरी, 24 मार्च को प्रोग्राम था ट्रंप साहब का, उसके लिए 100 करोड़ की लागत से आगरा में सड़क बनाई गई, वो सड़क धंस गया, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए ट्रंप की गुलामी में। जिस अहमदाबाद शहर का नाम कर्णावती था उसको करोनावती बना दिया गया। वहां कोई मरकज के जिहादी नहीं गए थे, वहां ट्रंप की बाराती गई, देश को बताना होगा ये चीज। देखिए दूसरी बात, 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने के लिए भाजपा के तमाम नेता एरी चोटी एक किए हुए थे। 23 मार्च तक देश में कोरोना छुपाया गया, इसके लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम सांसद, विधायक, तमाम नेता दोषी हैं। ये मौत नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये हत्या है। ये भाजपा सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से देश के लोगों को की हत्या की गई है। कौन लोग दोषी हैं? जब प्रधानमंत्री जी थाली पीटने की बात कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी तो कह सकते थे कि ट्रेन का किराया फ्री है, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, लॉकडाउन हम लागू करेंगे, 5 दिन का टाइम देते। इधर 9 मार्च को पहली मौत हुई, 9 मार्च को सिंधिया कांग्रेस छोड़ने की बात किया,
ये खेल उठा पटक चलता रहा। 22 विधायकों की गुलामी और ट्रंप 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। जो $5 trillion की बात करते थे माइनस में चला गया देश की जीडीपी। आप कहते हैं बैंक और रेलवे की बात। अब सर दूसरा सवाल ये है कि चलिए आपने ये कोरोना से रिलेटेड तो बता दिया, बैंकों का विलय इसलिए किया गया। दूसरा मैं इस पे बात कर लेते हैं, हम इनके कई सारे सवाल हैं, जैसे कि धारा 370 है या फिर आपका राम मंदिर है या उसके अलावा एनआरसी सीए है जिसमें हमने देखा कई महीने लगातार जनता सड़कों पर पड़ी रही, ये उसको अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो उपलब्धियां क्या है जिनकी वजह से सड़कों पर लोग जमे रहे, दिल्ली का दंगा हो गया इतना बड़ा। दिल्ली का दंगा कराने वाले भाजपा के नेताओं पर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किया, उनको एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा, जामिया जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को, हम इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा मैं इस जुल्मी दरिंदे सरकार का विरोध करता रहूंगा। आपके घर में आप चार भाई हैं, अगर आपस में लड़ते हैं आपके घर का विकास कभी नहीं होगा। ये देश का विकास तभी संभव होगा जब देश में सभी जाति सभी धर्म सभी प्रांत सभी भाषा के लोगों का सम्मान होगा, सभी लोगों के हित की बात होगी, जब सभी लोग मिलजुल कर देश को बुलंद करेंगे। देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने सभी जाति सभी धर्म सभी क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज समय है इन काले अंग्रेजों को, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, इन काले अंग्रेजों को भी खदेड़ना होगा। सवाल उठता है राम मंदिर का। राम और कृष्ण भारत के कनकन में बसे हैं। राम और कृष्ण से पहले भी हिंदू धर्म था, ऐसा नहीं कि उससे पहले हिंदू धर्म नहीं था। और हिंदू धर्म ये नहीं है, हिंदू धर्म जाना जाता है, हमारा धर्म कहता है पत्थर को भगवान मानना, पानी को भगवान मानना, आग को हवा को, हम लोग पत्थर को पूजते हैं, हम लोग नर को नारायण समझते हैं, हमारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नर ही नारायण है। तो ये हमारा धर्म क्षमा परोपकार त्याग तपस्या बलिदान के लिए जाना जाता है। ये भाजपा आरएसएस के लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये रावण कौरव और कंस के लोग हैं। ये लोग हर रामायण ने सिखाया है कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला हर राम का नाम लेने वाला लोग राम भक्त नहीं होता, ये चोर उचक्के भी होते हैं। आपने देखा किस तरीके से लोग कहीं खून करके आता हत्या बलात्कार करके आता है, गरुआ वस्त्र धारण कर लिया कि लोग साधु समझे, ये वही लोग हैं भाजपा आरएसएस के लोग। किस तरीके से, जिस तरीके से रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था गरुआ वस्त्र बनकर भिखारी बनकर, उसी तरीके से मोदी जी ने भगवा वस्त्र पहनकर भाजपा के तमाम नेताओं ने देश हिंदुस्तान का भारत माँ भारती का अपहरण किया है। आपने देखा मुजफ्फरपुर में एक अबोध बालक अपनी माँ को जगा रहा है, उसे नहीं पता कि उसकी माँ मर चुकी है। एक बाप दूध के लिए तिल तिल कर घूम रहा है तब तक उसका बच्चा मर चुका है। किस तरीके से गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के बाद 120 किलोमीटर पैदल जाता है। ये निर्दयी सरकार को ये कहते हैं आपदा को अवसर में बदलिए। किस तरीके से आपदा को अवसर में बदला, इन्होंने पीपीए किट घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में, पीपीए किट घोटाला जिस गुजरात का मॉडल का, वहां देखिए मरे हुए लाखों से सोने के सामान निकाले जाते हैं, गहने जेवर निकाले जा रहे हैं। गुजरात में इतनी बेशर्मी की हद पार कर दी मोदी सरकार ने कि वहां पीपीए किट घोटाला हुआ, N95 मास्क घोटाला हुआ, जिस जज ने इसकी संज्ञान लिया उस दोनों जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब दिल्ली के मामले में जज ने संज्ञान लिया रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो जज राफेल में इनके पक्ष में फैसला देता है उस जज को राज्यसभा में भेजने की बात की जाती है रंजन गोगोई को, ये चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार डकैत है, चौकीदार लुटेरा है, चौकीदार हो रहे अंग्रेजों की नजर। एक सवाल है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पे भी पूछना चाहूंगा आपसे पंकज जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अगर कोई एक छोटी सी वीडियो वायरल हो जाती है, जैसे आपने देखा हो टिकटॉक पर एक इमेजिन वाली वीडियो, उसे पानी फेंका और उस लड़की का चेहरा, मतलब वो एक तरह से एक इमेजिन वीडियो थी, मतलब वो रियल नहीं थी, लेकिन रियल में मुजफ्फरपुर में एक लाश पड़ी है महिला की, वो मर गई है, वो तब नहीं बोलती, सड़कों पर ट्रेन से नीचे कट के आके महिलाएं मर जाती हैं तब वो नहीं बोलती,
बच्चे को दूध पिलाती हूँ भूखी महिलाएं तब नहीं बोलती, ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो हमारी रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य या मेंबर कौन बनाए जाते हैं? किसी भी जो संस्थाएं हैं उसमें पार्टी जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं उन्हीं को मेंबर बनाया जाता है। उनको खुश रखने के लिए सरकारी पदों का दुरुपयोग किया जाता है, सरकारी संसाधनों की लूट की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, आप देख लीजिए ना, जिस ONGC में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया गोबर पात्रा को, 27 लाख रुपया सालाना लूट रहा है कि नहीं, किस बिल में छुपा है? जो संदीप पात्रा हिंदू मुसलमान करोना करोना कर रहा था उसको करोना हो गया क्या? उसके पास आरोग्य सेतु नहीं था, ऐप नहीं था? जी न्यूज वाले के पास में, मौलाना सुधीर के पास में आरोग्य सेतु ऐप नहीं था क्या? ये सब फर्जीवाड़ा है। देश में जब से आया मोदी जी, एक नंबर का श्री श्री 1008 लूटेश्वर झूठेश्वर फेकेश्वर बाबा झांसाराम, देश याद रखेगा रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसे का राजा मोदी भाई। एक बार बाबा रामदेव पर भी 35 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं अभी भी इस महामारी के दौरान, ये नहीं हुआ कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट गरीबों को फ्री दे देते। अब बात नहीं समझ, बाबा रामदेव कौन है? बाबा रामदेव की चंदन की लकड़ी पकड़ी गई है जो चाइना जा रही थी। बाबा रामदेव वन्ना हजारे अनुपम खेर से आधी उम्र का है सूद, सूद देखिए प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचा रहा है, स्वरा भास्कर खाना पहुंचा रही है, अनुपम खेर को शर्म नहीं है? धर्मेंद्र हेमा मालिनी स्मृति ईरानी किस बिल में छुपी है? ये भी तो अभिनेता है। सबसे बड़ा अभिनेता मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, ही हौस दिल्ली रिंकिया के पापा बिग बॉस में 5 रुपए के अंडा के लिए छीछा लेदर कराते हैं, ब्राह्मण को अंडा खाने का शोभा देता है। ब्राह्मण हो के आप देखिए, लॉकडाउन में मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया जा रहा है। मनोज तिवारी जी दिल्ली से हरियाणा पहुंच जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, गाना गा रहे हैं, उनको मजदूरों की संवेदना से कोई मतलब नहीं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, भाजपा के नेताओं के पास विदेशी गाड़ी है, मोबाइल है, भाजपा के नेता विदेशों में पढ़ते हैं। अभी मुजफ्फरनगर की बात आपने देखा होगा, उनका बेटा क्या कहा कि हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं। अगर किसी दूसरे पार्टी का नेता बोला होता, इतनी टिप्पणी की होती, तो वो देशद्रोही कहलाता। हम पूछना चाहते हैं भाजपा नेताओं से, मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडिया में क्या फर्क है? भाजपा का कोई नेता बताएगा क्या होता है? मेक इन इंडिया, आप जगह देते हैं विदेशी कंपनियों को। आपने देखा हैदराबाद में LG का गैस रिसाव हुआ, कितने गांव के गांव लोग सुन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं बनी। पालघर में साधु की हत्या हुई तो संदीप पात्रा चिल्ला चिल्ला के उछल कूद रहा था, उसको लगा कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई अवसर ढूंढा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साधु की हत्या हुई, एटा में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, गोरखपुर में जहां सबसे बड़ा ढोंगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहां हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या हुई। ये कौन लोग हैं? ये मजदूर हिंदू नहीं है, ये मजदूर मुसलमान है, ये मजदूर पाकिस्तानी है। देश का दलाल और भड़वा पत्रकार अपने फायदे के लिए, अर्णब गोस्वामी जैसा 2 करोड़ का पत्रकार, रजत शर्मा जैसे लोग, देश का भट्ठा बिठा दिया। ये नेहरू म्यूजियम में सदस्य बनेंगे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनेंगे। हम पूछते हैं, आप जो जगह दे रहे हैं विदेशी कंपनियों को, आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी दौराए, मात्र 2 ही दौरा बाकी है प्रधानमंत्री जी का, एक दिल का दौरा, दूसरा अयोध्या का दौरा। ठीक है, भगवान न करे उनके साथ ऐसा हो, लेकिन आप जिस वीवो कंपनी को, एप्पल कंपनी को दे रहे, मैंने देखा है धनकौर से आगे वीवो कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया चाइना की कंपनी का, वहां कंस्ट्रक्शन में भी ये कहा जाता है कि सिर्फ चाइनीज और नेपाली मजदूर ही एक्सेप्ट करेंगे, वो भारतीय मजदूर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी और जो संबित पात्रा अपने आईफोन से ट्वीट करता है, भाजपा नेताओं के पास सबके पास आईफोन है, आईफोन का इंडिया में बनता है, आप निर्भर भारत की बात कहते हैं, मैं बिहार से हूं बिहार की बात कहता हूं, बिहार के नदियों पर डैम बनाते तो आत्मनिर्भरता आती, आपने तो उसकी बात करी नहीं। उसके लिए बोर्ड बनाया नहीं कि पब्लिकों से भी चंदा लेते, कुछ उद्योगपतियों से भी चंदा लेते, वहां बाढ़ की समस्या से निजात होती तो वहां के लोग खुशहाल होते। किस तरीके से
अंग्रेजों के समय से भारत में रेल चल रही है, आज तक रास्ता नहीं भटकी है। जो लोग 70 सालों का हिसाब मांग रहे थे, 6 साल में ही भारत की छीछा लेदर कर दी, पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को मेक इन इंडिया का आपने जिक्र किया, 50,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया था गुजरात की उस कंपनी को जिसने मोदी जी को 10 लाख का सूट गिफ्ट में दिया था, आपको याद होगा। 5,000 बन के आए और 900 ही जैसे ही चेक के निकाले मेडिकल में फेल हो गए। तो ये मेक इन इंडिया के तहत जो फेलियर हुआ है इसका कारण क्या है? ये विजय रूपानी के रिश्तेदार की कंपनी थी। आज पूरे देश में किसी भी अस्पताल में देखिए सिक्योरिटी गार्ड उसी का लगता है जो भाजपा सांसद आर के सिन्हा की एसआईएफ सिक्योरिटी लगती है। दवाई का सप्लायर कौन? तो भाजपा का। आटा चोरी कर कौन रहा है? जो मध्य प्रदेश में विधायकों खरीद के लिए व्यापम घोटाला वाले मामा आटा चोर, जो इस कोरोना जैसी महामारी आपदा में भी, ये देखिए वो बात समझिए, महाराष्ट्र सरकार को साजिश के तहत गिराना चाह रहे, ये कह क्या रहे, अभी जो घोटाला किया है इन्होंने देश में, देश की जनता को क्या दिया, 500 रुपया। 500 रुपया में लोग चाय पी पाएगा? महीने में 2 टाइम चाय पिएगा तो 600 रुपया महीना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतने निर्लज, इतने निष्ठुर, इतने अमानवीय, इतने घटिया स्तर के प्रधानमंत्री भारत को नसीब हुआ है बदनसीबी से। हम सुनते थे अंधेर नगरी चौपट, राजा टके सिर खाजा, टके सिर बाजा। आज हम कितने बदकिस्मत हैं कि आज देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक बात बताइए, नेताओं के वेतन भत्तों को आपने बढ़ा लिया, खेत खाए बकरी मार खाए जोल्हा। आपकी गलती के कारण नरेंद्र मोदी उस आवारा बेटे की तरह है जो अपने बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्तियों को बर्बाद कर दिया। ये देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने की हाथी थी। जो 10% जीडीपी का भारत था, स्वावलंबन भारत था, अमेरिका, चाइना, अमेरिका और जर्मनी से हमारी तुलना की जाती थी, जापान से तुलना की जाती थी, अब तो हमें नेपाल भी, जो हमारे यहाँ हिंग शिलाजीत बेचता था, चौकीदारी करता था, वो भी आकर रहने लगा है। चाइना देखिए, शी जिनपिंग के स्वागत में इन्होंने हजारों टन सब्जी बर्बाद कर दी, वो चाइना भी अब हमारे सीमा में घुस गया। जब लोकसभा चुनाव में ही तापिर गांव भाजपा का सांसद बोला था अपने अंतरात्मा की आवाज से कि चाइना ने घुस गया, तो ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं वहां का एक वीडियो दिखाते हिंदुस्तान की जनता को कि हमने चाइना पर सर्जिकल अटैक किया? डर लगता है इनको, कहां गया 56 इंची का? किस तरीके से अमेरिका ने, जिस अमेरिका के ट्रंप की गुलामी में देश का भट्ठा बिठा दिया, जब इनको कोरोना महामारी के बारे में सोचना चाहिए, पूरे महीने ट्रंप की गुलामी में लगे रहे। प्रधानमंत्री जी की बंदूक खाली थी, प्रधानमंत्री जी का निशाना छूट गया, 2 कौड़ी का ट्रंप 56 इंची सीने पर ठोक गया। प्रधानमंत्री जी की डिजिटल बेइज्जती कर दी इन्होंने। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे पंकज जी, जो बहुत सारे मुद्दे, वैसे पूरे एक साल में इतने ज्यादा फेलियर हुए हैं कि मैं गिना नहीं सकता, और पूरे पे बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी कोशिश इसे 15-16 मिनट की वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि देश में पिछले एक साल में कहां कहां हुआ, क्या क्या और कितने फेलियर हुए, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। ऐसे में जब देश में महामारी चल रही हो, देश में क्या पूरी दुनिया में चल रही हो, तो सरकार अपनी उपलब्धियां लेके बैठ गई हो, यानी कि आपदा को अवसर बनाने का मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। आप लोग क्या करना, नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में मिलते हैं, और पंकज जी से किसी और मुद्दे पर जल्द ही बात करेंगे।